प्रदेश में व्यापम जैसे बड़े घोटाले सामने आने के बाद ये उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि छोटे परीक्षा केंद्रों में भी व्यापम जैसे घोटाले हो सकते हैं। जी हां, नगर के समीप बरेट के शासकीय कन्या विद्यालय में बने परीक्षा केंद्र में इसी प्रकार का मामला सामने आया। यहां रोल नंबर के अनुसार परीक्षा देने वाले छात्र के स्थान पर दूसरा लड़का परीक्षा देते मिला। जब मीडिया की टीम पहुंची तो परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा बच्चों को मास्क लगवाकर गेट से बाहर निकालकर भगाया गया, जो मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। वहीं केंद्र प्रभारी द्वारा मीडिया को भी परिसर से बाहर भगाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, अपने कृत्य को छुपाने के लिए हमारे ही एक मीडिया साथी पर पैसे के लेन देन का आरोप लगा दिया ताकि मामले को दबाया जा सके। अब समझा जा सकता है कि कितना बड़ा मामला हो सकता है, ये जांच का विषय है। इस संबंध में जब मीडिया कर्मी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे तो वे ऑफिस में नजर नहीं आई और कैमरे पर बोलने से अधिकारी बचते नजर आए। इस संबंध में कांग्रेस का कहना है कि वह इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी और जांच की मांग करेगी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। सब जानते ही हो, घर में तुम गलत है ना यार सर, एक तो नकल करा ऊपर से तुम सर सब क्या हम रोक भी रहे लेकिन आप रोके नहीं हो, किसी की बात मानने चाहिए आपका। अगर हम आप ही गए तो आप नहीं कहने चाहिए ना दूसरे से, अपन तो खुद ही खराब। आप जब नकल अंदर करा ही रहे थे, हम तो बहुत देर से आए मालूम है आप ही, आप जब आए थे ना गाड़ी से हम पहले आ चुके थे और जैसे 9:05 इतने में नकल चालू हो गई। हमारे पास वीडियो है भाई नकल करवाते हुए, थोड़ी है लेकिन गलत है ना। ये कौन है प्रभारी, कौन है आगे? चलो चल चल चल, मेरी बात तो सुन ले, मेरी तो माने लेकिन गलत है दीदी, सुन तो लो हमने कहा लेकिन नकल हो रही ना। क्यों भाई कहाँ जा रहे? नहीं नहीं इधर ही आए थे। कहाँ गए थे? क्यों मैम ने बोला? क्यों? एड ग्रेड बुक देनी है, एड ग्रेड किताब देनी। अच्छा, कौन सी क्लास के हो तुम? 7वीं। इसी स्कूल में पढ़ते हो? नहीं। तो छात्रावास। छात्र यहाँ क्यों आए थे? कुछ नहीं, तुम दो जने आए थे ना। सुन तो लो, पहले पेपर भर दो, जब भी तुम आए थे है पहले मार्क्स निकाल बेटा। जी सर। जब पहले पेपर भर दो, जब भी तुम आए थे ना दोनों, दोनों ने पेपर भी किया था? नहीं किया सर। कैसे नहीं किया तुमने? नहीं किया सर। FIR हो जाएगी तुम्हारे, वीडियो हमारे पास। नहीं नहीं सर, आप तो पूछ सकते हैं, नहीं किया। अरे कैसे नहीं करा तुम, छात्रावास से आकर पागल बना रहे हो? मैम के पास गए थे। अच्छा अच्छा, तुम पहले सुन लो बेटा, देखो क्या हम वीडियो नहीं बना रहे सर। नहीं सर, ईमानदारी वाली बताओ बेटा, तुम तो आए थे। हाँ सर। सुन तो लो, आए थे ना बेटा। तुम कौन सी क्लास में थी? छठी। छठी सहरिया की तुमने बनाई थी? सहरिया का पेपर तुमने दाओ तो वीडियो नहीं बन रही। नहीं दिया सर। है नहीं दिया किसी दिया तुमने? नहीं सर, बुद्धि पर हाथ रख के कह रहे हैं, हमने किसी का पेपर नहीं दिया। तुमने नहीं दिया? ठीक है, वीडियो तुम्हारे पास आ ही जाएगी जिसमें तुम बैठे हो दे रहे हो पेपर। जी आए हुए दो तीन लोग वहाँ पर जो रोल नंबर अनुसार बच्चे बैठना चाहिए उनकी जगह दूसरे बच्चे परीक्षा दे रहे थे, वहाँ पर हमने ये वीडियो बनाए, हमारे पास साथ थे। तो आप मानते व्यापन जैसा घोटाला प्रदेश में हुआ तो छोटी जगह भी ऐसे घोटाले होते हैं। मेरा ये मानना है कि प्रदेश सरकार जो जिस तरह से व्यापम मामला उठा था, वो चूँकि शहरों में जो प्रक्रिया चल रही थी वो शहरों में हो रही थी और शहरों में ही वो उन पर सारा दबाव था, तो उससे हटने के लिए उन्होंने अचानक ऐसी छोटी छोटी जगहों पर व्यापम को ले गए, वो घोटाले को करने के लिए। उसमें ये बरेट का केंद्र आया होगा, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया था, आपके माध्यम से संज्ञान में आया तो हम जो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी वो हम कांग्रेस जन सभी मिलकर उसको। परीक्षा चलते हुए बच्चों का बाहर जाना बार बार, वहाँ के टीचरों की जो ड्यूटी लगी थी उनका बिल्कुल भी विधिवत ध्यान नहीं देना, और तमाम जब मीडिया के लोग वहाँ पहुँचते हैं जब बात अपनी करते हैं तो मीडिया को भी बाहर कर दिया जाता है। मैं सर्वप्रथम तो जिन भी मीडिया के लोगों ने ये खोज निकाला है बरेट का छोटा सा केंद्र जिसमें एक अवैध व्यापम घोटाला हो रहा था, मैं उस सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और चूंकि उनकी तो मनसा ही यही है कि कहीं ना कहीं ये जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं वैसे ही वो भी अपराध करने की प्रवृत्ति उनकी संयमित हो चुकी है। वो बड़े शहरों से हटकर अब छोटे शहरों में आ गए, छोटे शहरों से हटकर गांव में आ गए, तो उन्हें तो वो निरंतर करना ही है। आपने हमें हमारे संज्ञान में लाया, हम उसको धन्यवाद देते हैं और जो भी कार्रवाई होगी हम सभी कांग्रेस जन मिलकर उसका विरोध दर्ज कराएंगे। 6 बजे आ जा रहा है डेली, तो इसके लिए आप कुछ करना? अब अगर कोई स्टूडेंट जिसके पास ये आया हो और उसको लगता है कि ये पहले से लीक हो गया है तो वो हमारे पास आ सकता है, उसके लिए जो भी कार्रवाई होगी हम उसका साथ देने के लिए।
परसों के दिन ग्राउंड में मैं पहुंचा, वहां पर देखा कि कुछ बच्चे मास्क पहने हुए निकल रहे थे। अचानक मेरी नज़र पड़ी, आठवीं की परीक्षाएं चल रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि वहां पर जो बच्चे बाहर के स्कूल के बच्चे थे वो वहां परीक्षा दे रहे थे, और जो वहां परीक्षा जिनको देना थी वो उपस्थित नहीं थे। मुझे जानकारी लगी थी, तब उनके वहाँ के उनसे पूछा मैंने मैडम से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात में जानकारी नहीं है। तो आप वहाँ से जब लौटे जी, उसके बाद इस प्रकार की बाजार में चर्चा चली, उसको क्या मानते हैं आप? ये सब फर्जी बात है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, इसकी जांच होना चाहिए। मैं सच हूँ या गलत, ये तो जांच का विषय है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।